And who do you see? Me on the corner. मूवी की शुरुआत में बेला नाम के एक पप्पी को दिखाया जाता है जो कि एक बहुत ही प्यारी पप्पी है। आपने पहले ये जरूर सुना होगा कि कुत्ते और बिल्ली की लड़ाई होती है, पर यहाँ आपको जो देखने को मिलेगा वो बिल्कुल ही हटके है। बेला ने अपनी जिंदगी का पहला भाग एक खाली बिल्डिंग में गुजारा होता है जहाँ वो डॉग्स और कैट्स के साथ मिलकर रहती थी, इसलिए कैट्स बेला की दुश्मन नहीं बल्कि उसके परिवार का एक हिस्सा थी। बावजूद इसके कि डॉग्स और कैट किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया करते थे, एक दिन दो एनिमल कंट्रोल ऑफिसर उस घर में रेड करते हैं और बेला के डॉग परिवार के सब डॉग्स को अपने साथ पकड़ के ले जाते हैं और देखते ही देखते कुछ ही पलों में बेला बिल्कुल अकेली रह जाती है। पर बेला के पास सिर्फ डॉग्स का ही परिवार नहीं बल्कि कैट्स का परिवार भी होता है। उसी में से कैट ने बेला को एनिमल कंट्रोल ऑफिसर से बचा लिया होता है। इसके बाद लुकास और ओलिवा दो एनिमल लवर्स को दिखाया जाता है जो उनके आस पड़ोस में रहने वाले आवारा डॉग्स और कैट्स को देखने जाते हैं। जहाँ दूसरे लोगों ने बेला के परिवार को उजाड़ दिया होता है, वहीं लुकास बाकी इंसानों से अलग होता है। वो रोज उनके घर आके उनको खाना खिलाता है। एक दिन बेला लुकास और ओलिवा को देखकर भागती भी आती है और इतनी फ्रेंडली और एनर्जेटिक बेला को देखकर लुकास और ओलिवा को बेला से तुरंत लगाव हो जाता है। लुकास बेला को अपने घर ले आता है ताकि जब वो स्कूल जाए तो बेला लुकास की माँ के साथ खेले और उसको कंपनी दे, जो काम बेला बहुत ही अच्छी तरीके से कर रही होती है। बेला को भी अपना नया घर और लुकास दोनों काफी पसंद आते हैं और क्योंकि बेला एक पपी है तो उसकी हर एक चीज खिलौना लगती है जिससे वो खेल सके, और लुकास भी एक अच्छा ओनर होता है और वो कभी भी उसको डांटता नहीं। पलक झपकते ही बेला बड़ी हो जाती है, पर वो आज भी उतनी खुश रहती है जितनी वो अपने बचपन में हुआ करती थी। एक दिन लुकास को अपने दरवाजे पे एक लेटर मिलता है जो कि उसके लैंडलॉर्ड का होता है। उसका लैंडलॉर्ड घर को देखने आ रहा होता है और जैसे कि घर में डॉग्स अलाउड नहीं होते तो लुकास और उसकी माँ के पास बेला को वेटरनरी एसोसिएशन में छुपाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता। बेला को तो एक कोई नया गेम लगता है जिसमें उसको बिल्कुल मजा नहीं आ रहा होता है। एक स्टोर में अकेले बंद होकर बेला अपने मालिक लुकास की ओर भौंकती है जो छत से सबको सुनाई देता है। अब बिल्डिंग में मौजूद हर इंसान को सीलिंग से बेला की आवाज सुनाई देती है। एक एम्प्लॉय को बेला मिल जाती है और वो उसको बाहर निकालने की जगह एक स्पेशल गेस्ट बनके ग्रुप थेरेपी के लिए आता है। थेरेपी सेशन के टाइम बेला अपने फ्रेंडली नेचर से सबको बहुत पसंद आती है और सब बेला को डॉक्टर से बचाने के लिए उसे कहीं छुपा देते हैं। खुशकिस्मती से वहाँ सभी लोग डॉग लवर होते हैं जो बेला के लिए कुछ वहाँ के नियम तोड़ने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाते। एक दिन बेला के साथ वॉक पर गए वे लुकास और ओलिवा देखते हैं कि बेला के पुराने घर को तोड़ा जा रहा है जिसकी वजह से कैट्स खतरे में होती है, पर प्रॉपर्टी के मालिक को कुछ कैट्स से कोई फर्क नहीं पड़ता। लुकास और ओलिवा घर को तोड़ने से रोक देते हैं और प्रॉपर्टी के मालिक पर गुस्सा करते हैं कि कई बार काम करने से भयानक परिणाम सामने आते हैं। उसी रात एक एनिमल कंट्रोल ऑफिसर लुकास के घर आता है और बेला को खतरनाक बताते हुए अपने साथ ले जाने को बोलता है। ये कोइंसिडेंस नहीं होता है और बेला को बचाने के लिए लुकास उसे गेम सिखाता है जिससे वो खुद अपने घर वापस भाग के आ जाए। एक दिन एक गिलहरी को देख बेला उसके पीछे भागती है और लुकास उसे एक स्ट्रीट में देखता है, पर एनिमल कंट्रोल ऑफिसर भी उसे वहीं देख लेता है और वो लुकास के सामने बेला को अपने साथ लेके जाता है। डरी और सैमी में बेला हर वो काम करती है जिससे लुकास उसके पास आ जाए, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगले दिन लुकास बेला को अपने साथ घर ले जाने आता है और एनिमल कंट्रोल ऑफिसर उसे एक कड़ी चेतावनी देते हैं कि अगली बार अगर बेला पकड़ में आ गई तो बहुत बुरा होगा। बिना किसी चॉइस के लुकास बेला को ओलिवा के किसी रिलेटिव्स के पास दे देता है जो शहर के बाहर रहते हैं, और जैसा कि एनिमल कंट्रोल ऑफिसर उस बुरे प्रॉपर्टी ओनर के लिए काम कर रहा होता है तो वहीं लुकास की माँ उस ऑफिसर से बेला को शहर से बाहर जाने देने की धमकी देती है। लुकास और बेला अपना दुख भरा गुड बाय करते हैं। बेला समझ नहीं पा रही होती है कि वो कहां जा रही है और लुकास उसके साथ क्यों नहीं आ रहा। ओलिवा के रिलेटिव्स अच्छे लोग होते हैं, वो उसके साथ खेलते हैं और उसको खाना भी देते हैं। बेला अपने नए घर को पसंद करने की कोशिश तो कर रही होती है, पर उसे पता होता है कि लुकास जैसा सेम नहीं है और ये लोग उसका परिवार भी नहीं है। लुकास की याद में बेला भागने का मौका ढूंढती है और भाग निकलती है, पर लुकास का घर बहुत दूर होने की वजह से वो कैसे बेचारे के लिए ढूंढ पाती, और बेचारी चलती रहती है। कभी इतना अकेली वो चली भी नहीं थी। बेला का सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है और वो खाने के लिए शिकार भी करती है जो भाग निकलता है। चलते चलते वो किसी नए टाउन में पहुंच जाती है जहां उसे एक नया दोस्त मिलता है जिनके साथ वो खूब मजे करती है, और वो उसे भी बहुत अच्छा तरीका सिखाती है कि खाने को हासिल करने का अच्छे दिल के इंसानों से खाना पाना किसी रैबिट को पकड़ने से काफी आसान है। पर रात के टाइम बेला को एहसास होता है कि वो अपने नए दोस्तों के साथ रह रहे खूब मजे कर सकती है, पर वो ये छोड़ के वापस लुकास की तलाश में निकलती है। एक दिन बेला को खून की स्मेल आती है और उसका पीछा करते हुए वो किसी माउंटेन पे पहुंच जाती है जहां उसे एक माउंटेन लायन मरा हुआ मिलता है जिसे हंटर्स ने मारा होता है। पास में बेला को एक माउंटेन लायन का कब दिखता है जिसे वो अपने साथ रखती है और उसको खाना देती है और रात को उसको वार्म भी रखती है। फिर वो अपना सफर आगे शुरू करते हैं और बेला समझ जाती है कि जीने के लिए उसे इंसानों से खाना लेना जरूरी है, जो कि कई बार बहुत आसान होता था।
बहुत ही जल्दी कब बेला जितना हो जाता है और बेला को उससे बहुत प्यार हो जाता है और वो उसकी रक्षा करने के लिए कुछ भी कर सकती है, चाहे वो दूसरे जानवरों से लड़ना ही क्यों ना हो। एक बार क्योटीज आ जाते हैं जिन्हें लकीली 3 आदमी भगा देते हैं। जैसे ही बेला को लगता है कि अब उसका लुकस से मिलना पास आ रहा है, कब गलती से उन आदमियों को डरा देता है। फिर से बेला और कब अपनी नई जर्नी की शुरुआत करते हैं नए गेम्स और नए एक्सपीरियंस के साथ। बहुत दिनों के बाद नया डॉग मिलने की एक्साइटमेंट में बेला और वो डॉग बहुत भौंकते हैं और उनके भौंकने से वहाँ बर्फ फिसल जाती है। और जब डॉग का ओनर हॉस्पिटल में होता है तो दो लोग उस नए डॉग को अडॉप्ट कर लेते हैं। उसकी नई जिंदगी बुरी नहीं होती है और उसे रोज गर्म रूम और भरपेट खाना मिलता है। एक दिन वो दो आदमी बेला को और उसके नए फ्रेंड डॉग को उसके ओनर के पास वापस भेज देते हैं, जहाँ डॉग उसके ओनर को देख के बहुत ही खुश होता है, जबकि वो ओनर एक खुदगर्ज बुड्ढा है जो उसके डॉग की बिल्कुल परवाह नहीं करता। बूढ़े मालिक उन डॉग्स को छोड़ने के बाद दो लोग उनको अडॉप्ट कर लेते हैं। ये जानने के बाद भी कि उसके दोस्त को नया अच्छा घर मिल गया है, बेला को ये भी पता होता है कि ये उसका असली घर नहीं है और वो वहाँ से भाग जाती है और एक नए टाउन में पहुँच जाती है, जहाँ उसे गरीब बूढ़ा आदमी अडॉप्ट कर लेता है जिसके पास कुछ नहीं होता, पर फिर भी वो बेला को कभी खाली पेट नहीं सोने देता। एक दिन वो बूढ़ा आदमी बेला को अपने साथ चेन में लॉक करके मर जाता है, जिसकी वजह से बेला उसमें फंस के रह जाती है और भूख प्यास से तड़प रही होती है और बहुत ही इंतजार करने पर भी उसके लिए कोई नहीं आता। अब बेला उम्मीद छोड़ देती है, फिर दो बच्चे उसको ढूंढ लेते हैं। वो उसे चेन से अलग कर देती है और बेला लुकस को ढूंढने निकल पड़ती है। जंगल में फिर से भेड़िया उसका शिकार करने के लिए आते हैं। बेला बहुत तेज भागती भी है पर वो अकेली होती है और वो बहुत सारे भूखे भेड़िए उसको घेर लेते हैं, पर बेला हार नहीं मानती और खुद सामने से अटैक करती है, पर अकेली होके बेचारी वो कर भी क्या सकती थी। तभी एक माउंटेन लायन आता है और हाँ, ये वही माउंटेन लायन है जो एक टाइम पे बेला का कब था, पर अब वो कोई छोटा कब नहीं है। बेला बहुत ही खुश होती है कि जब वो अपनी फैमिली के एक मेंबर को वापस ढूंढ सकती है तो वो लुकस को भी ढूंढ सकती है। बेला को अपने परिवार को लुकस से मिलाने की बहुत ही एक्साइटमेंट होती है, पर माउंटेन लायन को ये पता था कि वो बेला के साथ नहीं जा सकता और बेला को भी ये पता होता है कि वो लुकस की है। ये एक डिफिकल्ट चॉइस होती है, बट वो लास्ट टाइम अलग हो जाते हैं और बेला जंगल से निकल के एक बिजी रोड पे आ जाती है। फिर बेला रोड पे भागना शुरू करती है जिसकी वजह से एक एक्सीडेंट हो जाता है और वो वहाँ से भाग के बच निकलती है, पर जैसे ही वो रोड की दूसरी साइड भागती है उसका एक्सीडेंट हो जाता है और दर्द में होने के बाद भी वो नहीं रुकती और चलती रहती है। पूरे 2 साल के बाद फाइनली वो लुकस के घर के दरवाजे पे पहुंचती है, पर जैसे ही वो अंदर जाती है उसे एहसास होता है कि ये वो घर नहीं है जिसे वो बचपन में छोड़ के गई थी और जो लोग वहाँ रह रहे हैं वो उसका परिवार नहीं है। बेला कुछ समझ नहीं पाती कि लुकस कहाँ है और उसकी फैमिली कहाँ है। जो उस घर में रह रहे होते हैं वो बेला को नहीं जानते कि ये कितनी अच्छी डॉग है और वो एनिमल कंट्रोल ऑफिसर को बुला लेते हैं। एनिमल ऑफिसर बेला को पहचान जाता है और तभी बेला खिड़की से भाग निकलती है और उसकी आखिरी उम्मीद वेटेरियन एसोसिएशन होती है। वहाँ वो और डॉग्स देखती है और अपने पुराने दोस्तों से मिलती है और खुशकिस्मती से लुकस को भी मिल जाती है, पर तभी वहाँ फिर से एनिमल कंट्रोल ऑफिसर बेला को ले जाने आते हैं, पर कोई भी वेटेरियन बेला को नहीं ले जाने देता और जैसे बेला ने उनकी हेल्प की थी वैसे ही वो बेला की हेल्प करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि अगर वो एनिमल कंट्रोल ऑफिसर बेला को ले गए तो वो मर जाएगी। जैसे ही लगा कि सारी होप खत्म हो गई, बेला को एक टेक्निकल बात ने बचा लिया होता है कि डेनवर शहर में पेट बिल्स अलाउड नहीं थे, पर वेटेरियन एसोसिएशन एक फेडरल प्रॉपर्टी थी जहां एनिमल कंट्रोल की एक नहीं चलने वाली थी। बेला फिर से अपने घर वापस आ जाती है जहां से वो बिलोंग करती थी, जहां वो लोग थे और जिनसे वो बहुत प्यार करती थी। लुकस और ओलिवा उसे कभी नहीं भूले थे। लुकस और ओलिवा ने बेला का पसंदीदा ब्लैंकेट रखा होता है और फिर उसके साथ वही पुराने उसके पसंद वाले गेम खेलते हैं। बेला को घर वापस आने में पूरे 2 साल लग जाते हैं और इसी बीच वो उन लोगों को कभी नहीं भूली थी जिनसे वो मिली थी, जिनसे वो प्यार करती थी। बहुत कुछ खराब सिचुएशन देखने के बाद भी वो हमेशा काइंड एंड जेंटल डॉग ही रही और ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों, क्या आप डॉग लवर हैं? अगर आप डॉग लवर हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके पास कौन सा डॉग है। और हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।